यूं तो हमारे देश में हर रोज हजारों सड़क हादसे होते रहते हैं, पर कुछ हादसे सुर्खियां बनते हैं। वो क्या है ना कि लोकतंत्र में राजनीति कण कण क्षण क्षण को प्रभावित करती है, तो इसलिए अगर किसी राजनेता के बेटे के काफिले की गाड़ी से अगर कोई सड़क हादसा होता है तो वो कण कण और क्षण क्षण को प्रभावित करने लगता है। और अगर वो बेटा ब्रजभूषण शरण सिंह का हो तो कहानी ही अलग लेवल हो जाती है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और बीजेपी प्रत्याशी कर्णभूषण सिंह के काफिले की गाड़ी ने 4 युवकों को कुचल दिया। गोंडा के कर्नलगंज में बुधवार सुबह हुए इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बात बताइए, आप कौन हैं बच्चों? मेरा नाम फरमान है। जो बच्चे एक्सीडेंट हुआ मैं उनका चाचा लगता हूँ। हम गांव में खबर गई कि एक्सीडेंट हो गया, फिर हम वहाँ से गाड़ी लेके जब पहुँचे मौके पर छतईपुरवा क्रॉसिंग के बाद, जब वहाँ पहुँचे तो देखा फॉर्चूनर गाड़ी खड़ी हुई थी और वहाँ पे काफ़ी खून पड़ा हुआ था, जो चोट खाए बच्चे उनका। फिर हम लोगों से पूछे क्या हुआ तो लोगों ने बताया बच्चे सरकारी अस्पताल में गए हैं, वहाँ जाओ। फिर हम पूछा किसकी गाड़ी थी तो पता चला कि नेताजी की, प्रतीक भूषण, करण भूषण, ये लोग की गाड़ी थी। 4 गाड़ियाँ थी, एक से एक्सीडेंट हुआ, 3 बाकी चले गए वहाँ से। फिर हम वहाँ पर देख के फिर आए, जब सरकारी अस्पताल पहुँचे तो यहाँ पर दोनों बच्चे ख़त्म हो चुके थे। फिर वहां से पुलिस की कार्रवाई होने लगी है, अभी लाया गया है यहां पर। नाहक मौत किसी की भी हो यकीनन बहुत भयावह होती है। मौत का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन इंसाफ बहुत मायने रखता है। इसलिए इंसाफ की एक उम्मीद लिए मृतकों के परिजन मीडिया से गुहार लगाते नजर आए। अब आप लोग हमारा सपोर्ट करें, मदद करें, हमारे तो दोनों बच्चे चले गए, अभी हमें इंसाफ दिलाइए। आप लोग क्या होना चाहिए आप लोग बेहतर जानते हैं, कुछ करिए, हमारे लिए मदद करिए। हमारे इकलौते बच्चे थे अपने माँ बाप के, दूसरा कोई नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी कर्णभूषण सिंह के काफिले में शामिल पुलिस स्कॉट की गाड़ी ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी है। हादसे के बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए। हादसा हुजूरपुर में बहराइच रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ है। टक्कर इतनी तेज थी कि पुलिस स्कॉट की गाड़ी के एयरबैग खुल गए। इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास से लोग एकत्रित हो गए। भीड़ बेकाबू न हो इसके लिए कर्नलगंज थाने से घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आम चुनाव 24 के बीच हुए इस हादसे ने मानो यूपी के लखीमपुर खीरी में एक वक्त को हुए हादसे की याद दिला दी है, जिसमें बीजेपी सांसद और मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू पर गंभीर आरोप लगे थे। इस हादसे में 8 लोगों की मौत दर्दनाक हुई थी। ये सभी लोग बाद में वापस हुए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज भी ये घटना तिनुकिया कांड से मशहूर है। इस घटना ने देश के दूसरे राज्यों में यूपी के लखीमपुर खीरी जिले को एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। सोचिए कि घटना कितनी क्रूर रही होगी। एफआईआर में बताया गया कि 4 पीड़ितों को आशीष मिश्रा की गाड़ी ने कुचला था। फिलहाल आज कैसरगंज में हुए इस हादसे में एक तरफ राजनेता का बेटा है तो दूसरी तरफ गरीब जनता है। फैसला न्यायिक तंत्र को करना है और न्यायिक तंत्र के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसाफ होता है, अमीर या गरीब, जनता या राजनेता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।